हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि बैकग्राउंड इरेजर ऐप से आप बैकग्राउंड को कैसे परफेक्टली इरेज कर सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बैकग्राउंड इरेजर ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसमें लिंक भी दी हुई है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, सिंपली वहाँ पे सर्च बार में लिखिए बैकग्राउंड इरेजर ऐप को, जो इस तरीके का दिखता है, आपको ये भी दिख रहा है शायद स्क्रीन में, जो दिख रहा है शायद। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे ओपन कीजिए, लोड ऑफ फ़ोटो में जाइए, आपको जो भी फ़ोटो इरेज करना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ से डन कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, एक है कटआउट, ऑटो, मैन्युअली, रिपेयर और जूम। तो ये तो आपको साइज के लिए है, ये आप इसे आप कहीं भी पकड़ के मतलब कर सकेंगे उस साइज़ के। तो इसे यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप कटआउट टूल में ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसे आपको जो भी हिस्से में चाहिए वो ब्लू वाली लाइन आपसे लगा दीजिए अच्छी तरीके से। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये लगा रहा हूँ मैं, और ये जो रेड कलर का रिमूव है, आपको जो भी हिस्सा नहीं चाहिए उसमें सिंपली ऐसे लाइन कर दीजिए। देखिए कितने परफेक्टली हो रहा है, परफेक्टली इसमें यूज करता हूँ, ये बहुत अच्छा ऐप है। प्लीज़ दोस्तों आप भी इसे ट्राई कीजिए, देखिए कितने परफेक्टली हो रहा है। तो ये आपका हो गया कटआउट ऑप्शन। चलिए मैं बैक आता हूँ, सॉरी। और एक है ऑटो, ये जो गोल राउंड सर्कल दिख रहे हैं, आपको जो भी हिस्सा नहीं चाहिए सिंपली उसमें जाके आप इसे रख दीजिए। तो देख रहे देखिए दोस्तों कितने परफेक्टली ये इरेज हो रहा है। तो इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से इरेज हो रहा है, सॉरी इसके थोड़ा ज़्यादा हो गया था, देखिए कितने परफेक्टली ये इरेज हो रहा है। तो ये हो गया आपका ऑटो ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन है मैन्युअली। मैन्युअली तो दोस्तों आप मैन्युअली इसे इरेज कर सकेंगे अपने हाथों से, देखिए तब पर देखिए कितने अच्छे से इरेज हो रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपको रिपेयर। तो दोस्तों अगर कहीं आपको लग गए, कहीं आपका मॉडल पे लग गया तो आपसे इसे हटा सकेंगे, रिपेयर कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जूम। तो आप इसे फ़ोटो को जूम करके अच्छी तरीके से आप फ़ोटो को इरेज कर सकेंगे। तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, मैंने इतने अच्छे से किया नहीं है। तो देखिए इतने परफेक्टली ये इरेज हो रहा है। तो इससे आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं, इसे आप फिंगर मतलब टच कहाँ टच करेंगे उसके उसे एडजस्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा ऐप है, और देखिए आप इसे आप परफेक्टली अगर इरेज हो गया तो यहाँ से आप डन कर लीजिए। डन करने के बाद यहाँ में नेक्स्ट ऑप्शन है आपको स्मूथ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपको कहीं कहीं रह गया इरेज करने में तो आप यहाँ से उसे स्मूथ कर सकेंगे अच्छे तरीके से। तो मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया, इतने अच्छे तरीके से किया नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अभी ट्राई कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही दिखाने के लिए आपको वीडियो बनाया कि आप बैकग्राउंड इरेजर ऐप से किस किस तरीके से परफेक्ट इरेज कर सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।